साथ जोधपुर बनाम उदयपुर के बीच बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमें राजस्थान प्रदेश से। मैच रेफरी सिक्का उछालते हुए देखते हैं किस तरफ जाता सिक्का घूमता हुआ। इस वक्त उदयपुर ने टॉस जीता और यहां चॉइस शायद मैदानी खेल स्टार्ट होता हुआ। इसके साथ ही 8 नंबर से चले हैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, टॉस हार कर इसमें पहली रेड के लिए तैयार। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 इस वक्त श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़े वाला यूनिवर्सिटी झुनू की तरणताल से मैं गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेहतरीन मुकाबला इस वक्त राजस्थान प्रदेश की दो बेहतरीन टीमों में से एक मानी जाती हैं दोनों ही। और अब उदयपुर जनार्दन यूनिवर्सिटी है उदयपुर बोनस से खाता खोलने में कामयाब। शुरुआत पहली रेड से मिलती हुई अब 8 नंबर से चले हैं एक बार फिर वही रेड पुनरावृत्ति पे। खूबसूरत खेल की बांधगी दूध या प्रकाश इस समय शुरू होता हुआ फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं। यहाँ वालों करने की कोशिश की है अच्छा डिफेंस नज़र आता है। इस वक्त दाद देने होगी रडर आउट पॉइंट इस समय उदयपुर की दरिया में। ये बेहतरीन मुकाबला और जितनी तारीफ करें खिलाड़ियों की उतनी कम है। दाद देनी होगी जिस अंदाज से पूरी प्रिपरेशन के साथ यहाँ पहुँचे हैं अपनी बेहतरीन कौशल टैलेंट प्रतिभा का जलवा बिखेरते हुए। तीसरा पॉइंट बैक टू बैक देखे चलते तेज कदमों के साथ पॉइंट किस अंदाज से हासिल किया है जितनी तारीफ करें उतनी कम है। 6 नंबर से फिर से गए हैं डुबकी लगाने की कोशिश की पहुँच गए हैं रेडर सफल होने चाहिए। जी हाँ पहला पॉइंट इस वक्त है जोधपुर की झोले में तो 3-1 का स्कोर। इस समय धीरे जा गए हैं 8 नंबर से और यहाँ आसानी से पहुँचे लक्ष्य की तरफ है। धीरज हर व्यक्ति को बलवान बनाता है और इसके साथ ही अब चौथा पॉइंट तारीफ करनी होगी जितनी प्रशंसा करें खिलाड़ियों और यहाँ खासकर JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू की बेहतरीन सुविधाएं। मेजबानी करता हुआ एंगल होल्ड का शिकार होते लीजिए 5वां पॉइंट उदयपुर के उद्यान में। कमर कस्ता शुरुआती समय खेल का दीपक और धीरज दो बड़े स्टार रेडर दीपक आ रहे हैं इस समय उजाला करने के लिए उदयपुर के पाले में। यहाँ पकड़ आना मुश्किल है। कंटिन्यू कमाल का खेल दिखाते हुए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब 10 नंबर से जूझते हुए डुबकी लगाई है वहाँ खूबसूरत रेड और दूसरे पॉइंट का इशारा इस वक्त जोधपुर की झोली में। तो निश्चित रूप से रोमांचक होगा मुकाबला हालांकि थोड़ा सा धीमा दिखाई देता हुआ। सुपर्टिकल ऑन है और यहां लक्ष्य तक पहुंचते हुए धीरज सुरक्षित लौटे टच पॉइंट लेकर। अब 8 नंबर से ये बेहतरीन रडर हो सकते हैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी उदयपुर एंगल होल्ड का शिकार हो गए। जी हां अब छोड़ने का सवाल नहीं। अब इकलौते खिलाड़ी हैं ऑल आउट का आसान अवसर स्वीकार करते हुए। जी हां पहली बार जोधपुर ऑल आउट उदयपुर के सामने 12 पे पहुंचता उदयपुर जबकि 2 पे है जोधपुर। ये बड़ा खेल उदयपुर का कोच निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं सोहंस जी गोदारा। कोई बात नहीं गलती ना करना दोबारा लक्ष्य तक पहुंचे हैं फिर से दिखाई दी मिस्टेक सफल होंगे। जी हाँ 10 पॉइंट के साथ तीसरा पॉइंट जोधपुर लगातार थोड़ा सा पीछे ही दिखाई दे रहा है लेकिन 9 अंक अभी भी पीछे और कोशिश होगी बढ़त को काटने की लगातार प्रयासरत। एक और पॉइंट लेकर उदयपुर अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ एक मजबूत और सोलिड टीम लेके आए हैं कोच सोहन जी गोदारा। कमाल का खेल खिलाड़ियों का किक करने की कोशिश में इस समय 1 नंबर में जोधपुर जो कि जनार्दन सिंह यूनिवर्सिटी झपट्टा मारने की कोशिश लेकिन सुंदर बचाव पीछे जाते हुए लेकिन यहाँ बचने वाले नहीं हैं। 8 नंबर भरत को बाहर भेजा है कि नहीं देखते हैं नहीं सब कुछ ठीक ठाक। 13-3 का स्कोर 10 अंक की बढ़त जबरदस्त उत्साह जुनून जज्बा और ये देखिए रोकने वाले इस समय छोड़ने वाले नहीं। एक और पॉइंट उदयपुर की उद्यान में गजब की ऑफसेटिंग तमाम अंपायर्स असिस्टेंट तारीफ करनी होगी। 5 के डिफेंस में इस वक्त जोधपुर लगातार जूझता हुआ 14-3 का स्कोर झपट्टा मारा लेकिन ओ हो पुश करना चाहते थे डबल पॉइंट यहां
मैडम बाल बाल बचे हैं, लालच में आ गए इसलिए 2 पॉइंट कमाए। पुश करना चाहते थे लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए, वो स्लिप होते, बैक होल्ड से बाल बाल बचे, 1 नंबर में इस वक्त। मोनू और भर से अपेक्षाएं जोधपुर को, वहीं दीपक और धीरज की से अपेक्षा करता, ओहो हवा में है, अब मुश्किल है पहुंच पाना, काफ़ी देर प्रयास किया लेकिन सुपर टेकल 17-3। देखिए कितना बड़ा गैप इस समय नजर आने लगा, सेल्फ आउट और यहाँ उड़ान सफलता की, सेकेंड टाइम ऑल आउट इसके साथ ही 4 पॉइंट चौका लगाते हुए, 2 ऑल आउट के साथ ही 21 पे वहीं 3 पे अटकावा। जोधपुर वापसी के लिए बड़ा खेल चाहिए, संघर्ष की आवश्यकता, तालमेल की कमी, आत्मविश्वास निश्चित रूप से लड़खड़ाता हुआ। कम बैक छके पहचान संख्या से दीपक और धीरज, लेकिन यहाँ 7 स्टार 7 नंबर से आए हैं, 7 इन के साथ मजबूत डिफेंस की आवश्यकता, लेकिन लगता नहीं कि वो वापस लौट पाएगा। बोनस हासिल करने में कामयाब, देखते हैं वंस अगेन ऑन द रेड। मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी बढ़त पे है, एंगल होल्ड का शिकार इस वक्त, और यहाँ मिलता है 1 और पॉइंट का उपहार, दीपावली का पर्व। निश्चित रूप से दूध या रोशनी जगमगाट, दीपावली से पहले दीपक जलाना चाहेगा उदयपुर जीत के साथ। दीपक रेड पे हैं शायद, दीपक और धीरज निश्चित रूप से प्रकाश फैलाते हुए उजाला करते उदयपुर के उद्यान में, और बहुत मजबूत है यहाँ लक्ष्य के बिल्कुल करीब, आसानी से पार किया, लगातार अपने स्थिति को मजबूती प्रदान करते, लेकिन यहाँ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है बार बार लगातार जोधपुर। 24-3 का स्कोर जिसके सामने बेहद अंडर प्रेशर, 21 अंक पीछे चला गया है, और मुकाबला कहीं ना कहीं उदयपुर की तरफ ही बढ़ रहा है। एक बार फिर से वही पुनरावृत्ति, वही अंदाज, उसी लेफ्ट कॉर्नर से बाहर भेजकर कामयाबी पाई है। देखते हैं अब दीपक 5 नंबर से डी लाइन को छोकर वापस, टाइम आउट लिया गया। इसमें स्कोर है 25-25 उदयपुर, जबकि जोधपुर 3 यानी 22 अंक की विशाल बढ़त लगातार स्कोरिंग में। अनिल जी गुजर और उनके साथ है महेंद्र जी गोरा आ गए हैं 3 नंबर से। अब देखते हैं टाइम आउट में क्या कानाफूसी की होगी, गुप्तगु मंत्रणा के साथ है। वापसी के लिए बेताब जोधपुर, फर्स्ट हाफ का खेल दबदबा उदयपुर का कायम, खास आवश्यकता नहीं कोचिंग की, हालांकि उदयपुर की साइड से देखा जाए तो सोहन जी गोदारजो के बेहतरीन प्रशिक्षक के रूप में माने जाते हैं, चौगान स्टेडियम जयपुर में प्रशिक्षण देते हैं, नागौर से बिलोंग करते हैं, और वहीं इसमें बेहतरीन टीम लेके आए जो उदयपुर में शायद कार्यरत है। यहाँ कमज़ोर हो सकते हैं, डिफेंडर पहुँच गया आसानी से, 8 नंबर को भर्त को बाहर की राह दिखाई, नाम के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जोधपुर के खिलाड़ी, चाहे वो डिफेंस की बात हो या रेडर की बात करें, निराश हताश दिखाई देते हुए, और इस निराशा से बाहर निकलने में देखते हैं कितना कामयाब रहते हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। 26-3 23 अंक पीछे, और यहाँ फिर से धर दबोचा हथियार डालता नजर आता हुआ इस वक्त जोधपुर, लगता नहीं कि वापस मैच में लौट पाएगा हिसाब से। सुपर टेकल ऑन है, 2 का डिफेंस, और यहाँ सुपर टेकल फंसाने की कोशिश, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं, पहुँच जाएंगे। 4 पॉइंट ऑल आउट, 3rd टाइम ऑल आउट यहाँ, 31-31 पे पहुँचा, 3 ऑल आउट लगातार दिखाए हैं, और याद लीजिए अब 32वां पॉइंट जो, तो अमूमन इंसान के जबड़े में 32 दांत पाए जाते हैं, यहाँ पॉइंट मिलते हुए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के सामने, जनार्दन यूनिवर्सिटी उदयपुर के पास 32-3 29 अंक की बढ़त, देखे कितनी बड़ी है, बड़ी जीत की ओर अग्रसर, यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश बड़ी देर से, सही अच्छा डिफेंस यहाँ, लेकिन देर हो चुकी है कहीं ना कहीं, हाफ टाइम का इशारा था इसके साथ ही। ये सूरतिया हाल है इस वक्त हाफ टाइम के समय, 32-32 उदयपुर, जबकि 4 पे अटका हुआ जोधपुर।
सोहन जी गोदारा बहुत बेहतरीन प्रशिक्षक, लाजवाब कोच, गुरु की महिमा कितनी बेहतरीन देखे। अविश्वसनीय खेल पेश किया है, खास कोचिंग की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी गुरु मंत्र खिलाड़ियों के साथ सोहन जी गोदारा स्टार्ट। तो बेहद कठिन दौर से गुजरता हुआ जोधपुर, सवाल ये कि वापसी कर पाएगा कि नहीं। पहली रेड से एक बार फिर अच्छी शुरुआत करता उदयपुर, टच पॉइंट से एक दूसरे का चेहरा निहारते हुए, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कमज़ोर, आशा भी निराशा जोधपुर को। बड़ी बढ़त जिस प्रकार से फर्स्ट हाफ में बनाई, ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी जीत की ओर जाने लगा है। एक बार फिर से देखिए, 7 के डिफेंस में कितना मजबूत है, यहाँ अच्छा कंट्रोल किया है, छोड़ने वाला नहीं, फ़ायदा उठाता हुआ अपनी ताकत नज़ाकत का बेहतरीन इस्तेमाल, एकता की मिसाल जिसके सामने। 5 का डिफेंस एक बार फिर, संकट के बादल हार के रूप में देखे जा सकते हैं, ये खतरा मंडराता हुआ और यहाँ डुबकी लगाई है, छोड़ने वाला नहीं। दूसरे हाफ में पहला पॉइंट जोधपुर की झोले में, 5वां पॉइंट कुल मिलाकर, 5-34 का स्कोर, बेहतरीन स्ट्रेटेजी जहाँ तक उदयपुर का सवाल है। मुश्किल राहें फिर से कामयाबी की ओर लीजिए, रेड फिर से सफलता की ओर। लाजवाब लगातार डिफेंस, लेकिन यहाँ पहुँचने की कोशिश की है, बोनस रेड आउट। 35-7 वापसी के लिए जूझ तो रहा है, लेकिन लगता नहीं कि वो कम्बैक कर पाएगा, लेकिन कितने बड़े अंतर से जीत पाएगा ये देखने वाली बात होगी। उदयपुर बड़ी चुनौती पेश करता और एंगल होल्ड साथ। अंतिम 5 मिनट का इशारा आता हुआ मैच रेफरी के द्वारा, और यहां लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। जी हां, डबल टच पॉइंट, राइडर सफल, टाइम आउट 12। पहला टाइम आउट, राइडर सेफ थे, टच पॉइंट लेकर गए हैं। पांच के डिफेंस में कदमों के साथ लंबे हाथ आगे बढ़ाए, मगर सुरक्षित लीजिए फिर से कामयाबी की ओर, शानदार ड्राइव। समय तेजी से निर्णायक की ओर, यहाँ पर शूट लगाया है और यहाँ पहुँच गए हैं, वाह, अनुभव का फायदा उठाते हुए भरत आए हैं, लेकिन काफ़ी अपेक्षा थी, आज निराश ही किया और अब मुश्किल लग रहा है शेष खेल में वापसी करा पाना, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त देने वाला नहीं। बोनस की कोशिश की, सुंदर बचाव पीछे हटते हुए डिफेंडर द्वारा, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बोनस के साथ टच पॉइंट, 3 मिनट का इशारा, समय बिताते हुए 40-10 के साथ 30 अंक की बढ़त है। टेक्निकल पॉइंट, डबल एंट्री यहाँ रेडर की और फायदा मिलता हुआ उदयपुर को। अनुभव की कमी, कहीं ना कहीं जब पिछड़ रहे होते हैं तो भाग्य भी आपके साथ नहीं रहता। 41-10 यानी कि 31 पॉइंट की जो बढ़त है, बेमिसाल बैक होल्ड की कोशिश और कामयाबी होंगे यहाँ। जी हाँ, रेडर आउट, उदयपुर के उद्यान में किशोर आए हैं, ऊंचा लंबा कद, उदयपुर के किशोर, भरतपुर जाए किशोर, हार के साथ बाहर जाना होगा, लेकिन सुपर टेकल का शिकार हुआ, सुपर टेकल से डबल पॉइंट। शानदार 12-41 का स्कोर और यहां फंस गए हैं जाल में, लेकिन धक्का देकर धकेलने में कामयाब, भरत बड़ी देर से कामयाब रहे, 2 पॉइंट लेकर गए हैं वापसी की जुगत में, लेकिन समय बहुत कम, लगभग 1 मिनट के आसपास से जीत की दहलीज पे इस समय उदयपुर, तारीफ करनी होगी उदयपुर की टीम की, जबकि ऑफ सेटिंग में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। और यहाँ रेडर एक बार फिर से बाहर,
60 सेकंड का खेल शेष। सुपर टैकल 3 के डिफेंस में 15-42 और यहां देखिए आसानी से शिकार करते भारत को, बाहर जाना होगा। सुपर टैकल से 2 पॉइंट 44-44 पे। अब सवाल ये कि यार शतक पूरा कर पाएगा, समय ज़्यादा नहीं। जीत अब सुनिश्चित है, 29 पॉइंट की बढ़त है 44-15 के साथ। बिल्कुल जीत की खुशबू आने लगी है, सन सेट हो चुका है और आउट। यहाँ रेडर बोनस हासिल किया लेकिन रेडर आउट। छह नंबर से आ गए हैं, सुपर टैकल फिर से कंटिन्यू ऑन। 16-45 का स्कोर। झपट्टा मारा है लेकिन सुपर टैकल का देखे शिकार होते हुए। सुपर टैकल से 2 पॉइंट। इसके साथ ही समय यहां समाप्त होता हुआ, लीजिए मैच ओवर। और यहां मुकाबला उदयपुर ने जीत लिया, बहुत ही शानदार खेल दिखाया। 47-16 यानी 31 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जोधपुर को यहां पराजित किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बनाम उदयपुर, जिसमें उदयपुर ने शानदार जीत की है 31 पॉइंट के अंतर से। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सीलेंट फॉर, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच, शुक्रिया।